गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब तक हमने डेफिनेशन समझी थी, अब हम उसका प्रैक्टिकल टॉपिक समझेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी टू टाइप्स में होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मोस्ट ह्यूमन बींग परफॉर्म सर्वल एक्टिविटी ड्यूरिंग अ डे। दे मीट फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम इन शॉप, एंगेज इन पॉलिटिकल डिस्कशन, वॉच टेलीविजन एंड फिल्म एंड डू मच मोर। बट ऑल एक्टिविटी आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक स्टडी ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पज ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम्स इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस एंड और फैक्टर एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्टन टू पर्पज ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक गेन सेटिस्फेक्शन ऑफ सम वॉन्ट एंड इन्वॉल्व ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहते हैं जो कोई इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किया जाता है, जैसे कि पैसों के लिए बेनिफिट के लिए किया जाता है, जैसे इनकम का फॉर्म में हो, कोई भी मनी या पैसे के लिए किया जाता हो, इनकम के लिए काम किए जाते हो, जिसमें गुड्स का एक्सचेंज करके या तो सर्विस का एक्सचेंज किया जाता है। मतलब आप सामने वालों को गुड्स दे रहे हो या परचेस कर रहे हो, उसके बदले में आप पैसे दोगे या चुकाओगे। इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। शॉर्ट में अगर कहूँ तो जो एक्टिविटी पैसों के लिए की जाती हो, जिस एक्टिविटी एंड में मनी दिए हुए हो, पैसे जुड़े हो, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ कि लाइक कोई भी कॉस्ट करना, खर्चा करना, जैसे हम कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने, तो बिल्स पे करेंगे या पैसे देंगे, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट सेटिस्फाई नीड बाय इंक्यूरिंग एक्सपेंस। मतलब हम कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, हम कुछ भी ऑर्डर करेंगे, या ऑर्डर करने के बाद जब हम लंच कर लेंगे या डिनर कर लेंगे तो हमें पैसे देने हैं। मतलब हम इनकम वाली बात हुई, उन्हें इनकम मिलेगी, हम पैसे चुकाएंगे, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, वॉचिंग अ मूवी इन अ थिएटर। हम जाएंगे, मूवी देखेंगे, एंटरटेनमेंट होंगे, हम उसे पैसे देंगे, मूवी की टिकट्स लेंगे, मतलब पैसे देना हुआ, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्क इन वन ओन फार्म, मतलब किसी फार्म में हम काम करेंगे, जैसे लेबर आउटपुट, तो हम उसमें काम करेंगे, हमें उसकी सैलरी मिलेगी, लाइक तो उसे भी बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोर्थ वन, गेट एम्प्लॉय इन अ स्कूल टू टीच, प्रोवाइड सर्विस एंड गेट अ सैलरी। लाइक मैं कैसे आप लोग को पढ़ाती हूँ, तो कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाने स्कूल में जाएंगे तो उसकी सैलरी उन्हें मिलती है। दस ह्यूमन रिक्वायरमेंट आर पेनल्टी एक्टिविटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट थ्रू अ ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ बेनिफिट साइड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर, लॉयर, टीचर, एक्टर, गवर्नमेंट ऑल परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे यहाँ बताया गया है, जैसे फार्मर है, लॉयर है, टीचर है, एक्टर है, गवर्नमेंट है, कोई भी अपना वर्क करता है, जैसे उनको सैलरी मिलती है, उनकी इनकम मिलती है। लाइक किसी का बिजनेस भी हो तो वो कुछ भी सेल करता है तो उसमें भी उसको मनी मिलते हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। द फॉलोइंग चेन ऑफ एक्टिविटी इज अनदर एग्जांपल टू क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ फार्मर नीड अ मोटरसाइकिल इन ऑर्डर टू अर्न इनकम टू पे फॉर मोटरसाइकिल। सी वर्क इन अवर फार्म एंड सेल द आउटपुट फॉर मनी। द सेलर ऑफ मोटरसाइकिल वो अर्न मनी बाय सेलिंग द मोटरसाइकिल स्पेंड इट टू फुलफिल सम अदर वॉन्ट्स। एक फार्मर है जो अपने लिए मोटरसाइकिल, मतलब बाइक या कुछ भी परचेस करना चाहता है, ताकि वो बाइक लेके किसी को सेल करके अपने फार्म में यूज़ कर सके, वो मनी यूज़ कर सके, इसलिए वो अपनी बाइक परचेस करना चाहता है। मतलब इनकम हुई, वो परचेस करेगा तो किसी को देगा अपने मनी, और फिर जब वो सेल करेगा तो भी उसे वापस मनी मिलेंगे, मतलब हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म विदाउट द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक गेन इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन।
फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल एक्टिविटीज विच आर डन आउट ऑफ लव इफेक्शन कंपेरिजन एक्सेट्रा दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व कॉस्ट बट दिस कॉस्ट आर नॉट इंक्लूड टू गेट मॉनिटरी इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सचेंज. इसका मतलब होता है नॉन एक्टिविटी इकोनॉमिक, मतलब जो एक्टिविटी कोई भी गेन के बिना बेनिफिट के बिना की जाती हो जो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. जो अपनी इच्छा से किसी के लिए प्यार से कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई टीचर स्कूल में पढ़ाने जाए तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, लेकिन वही टीचर घर पे अपने बच्चों को पढ़ाए जो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. जो एक्टिविटी में गेन और बेनिफिट ना होता हो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. समझ आया बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक. ये प्रैक्टिकल पॉइंट है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक. लाइक इकोनॉमी एनालिसिस इज डन टू स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एज वेल एज टू स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल. हैंस फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस द एंटायर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इज क्लासिफाइड इंटू माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक. माइक्रो इकोनॉमी इज अ स्टडी एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी. इट स्टडी द रेशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. यूज द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म टू एनालाइज हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजन. द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस इज द कंज्यूमर, दैट ऑफ सप्लाई एनालिसिस इज द फ्रेम, एंड दैट लेबर and market is label. And according to state example, subject of price determination of product in a market. Equilibrium output level for a frame, marginal productivity and waste determination of labor as a factor of a production are studies in a microeconomic. Microeconomy has a set scientific principles showing behavior of individual unit. Microeconomic study issue which emerges for the entire economic setup and impact the entire economic setup. For example, determination of national income, unemployment, poverty, growth rate and demographic profile of population are topic studies under economic. Study of economy. Economy ki jo study ki jaye hai na, wo do method se ki jati hai, ya to do tarah ke economics hai, microeconomic and macroeconomic. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट के जब कोई भी कंट्री प्लेस कोई भी तरह का टॉपिक उसमें कोई भी इंडिविजुअल यूनिट एक यूनिट का एनालिसिस किया जाए ना उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक. सिर्फ एक यूनिट एक ही टॉपिक का एनालिसिस करता है तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ऑल यूनिट्स, सब यूनिट सब टॉपिक का एनालिसिस करना स्टडी करना उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस हेल्प टू गिव प्रिंसिपल रिसोर्सिस मैनेजमेंट टू इंक्रीज नेशनल इनकम, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, सो ऑन. हाउएवर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट इम्पैक्ट द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर एंड द माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम पूरी कंट्री की बात करें तो पूरा कंट्री की इकोनॉमिक देखें तो उसमें जो है बहुत सारे टॉपिक है. पूरी कंट्री को चलाना हो या देश को चलाना हो तो उसमें कितने सारे टॉपिक की स्टडी करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, कैपिटल इनकम, ग्रोथ रेट, यहाँ की पॉपुलेशन, कितने सारे टॉपिक है यहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन, सारे बहुत सारे टॉपिक है जो है वो स्टडी की जाती है. अगर इन सभी टॉपिक की एक साथ स्टडी की जाए ना तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक. ऑल टॉपिक की एक साथ स्टडी की जाए उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक. लेकिन अगर इन सब टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक की स्टडी की जाए या तो उसके बारे में ही एनालिसिस किया जाए तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक. जैसे इंडिया में सभी टॉपिक नहीं, उनमें से जैसे पॉवर्टी के बारे में स्टडी करें इंडिविजुअली और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी की जाए, बाकी सब टॉपिक पर ध्यान ना दे तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के टू टाइप है, राइट. कोई भी प्लेस कोई भी कंट्री में बिजनेस में भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, उनमें से सभी टॉपिक को एक साथ स्टडी करो, बिजनेस की एक साथ स्टडी की जाए तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक. लेकिन उन्हीं बिजनेस में से कोई भी एक टॉपिक की एक पर्टिकुलर स्टडी की जाए, कोई एक
कोई भी एक टॉपिक के बारे में स्टडी की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक का मैक्रो इकोनॉमिक पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक पे भले एक ही टॉपिक होता है लेकिन उसका पूरा जो टॉपिक है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे पूरे कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में भले हम एक ही टॉपिक लाइक प्रॉवर्टी के बारे में स्टडी करें, जो प्रॉवर्टी में ज़रा सा भी अगर चेंजेस होगा, जो भी चेंजेस होगा उसका इफेक्ट पूरे कंट्री पे पड़ता है, राइट? मतलब जो भी माइक्रो इकोनॉमिक में जो भी इफेक्ट होगा वो इकोनॉमिक पे पड़ेगा, और इकोनॉमिक का चेंजेस होगा उसका इफेक्ट मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक पे पड़ेगा। मतलब सारा यूनिट की स्टडी करना, जैसे एक साथ पूरी स्टडी पूरी कंट्री की स्टडी की जाए तो उसे चेंजेस होते हैं, तो इंडिविजुअली प्रॉवर्टी या एम्प्लॉयमेंट इन सब में चेंजेस होते हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक या उसमें इफेक्ट पड़ता है। और इकोनॉमिक में दो टाइप की स्टडी आती है, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। इसकी डिटेल में हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इन इकोनॉमिक। इन इकोनॉमिक एनालिसिस और इन अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग थ्री वे: डिस्क्रिप्टिव मैनर, बाय वे ऑफ डेटा टेबल, बाय वे ऑफ ग्राफ। For instance, a description of relation between price of commodity and its demand strategies are: when price of commodity falls, its demand expands and vice versa. This can be so merely by presenting a data table showing a consumer willingness to demand a commodity at different prices of the commodity. This so below. इस टेबल में भी बताया गया है। और हम अब समझे तो प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो ना, उसे कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे प्रेजेंट करते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए थ्री मेथड है: डिस्क्रिप्टिव मैनर, बाय वे ऑफ डेटा टेबल एंड बाय वे ऑफ ग्राफ। डिस्क्रिप्टिव मैनर मतलब डिस्क्राइब करना, लिखकर, सेंटेंस लिखकर, या तो डेटा टेबल से, मतलब लिख के भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटेंस बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम सेकंड वे से भी टेबल बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो वे ऑफ ग्राफ बना के, डायग्राम बना के, पिक्चर्स बना के, ड्राइंग बनाकर भी हम इकोनॉमिक में कोई भी इंफॉर्मेशन बतानी हो तो जनरली इन थ्री मेथड से हम बता सकते हैं। अब एग्जांपल बात की जाए तो ये तीनों मेथड, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल इट्स डिमांड एक्सपेंड एंड वाइस वर्सा। कमोडिटी मतलब कोई भी तरह का गुड्स, कोई भी सामान, कोई भी चीज़ की प्राइस फॉल होती है या डाउन हो जाती है, उस चीज़ की डिमांड एक्सपेंड होती है, मतलब डिमांड बढ़ती है। प्राइस और डिमांड के बीच जो भी रिलेशन है ना, एक इन्फॉर्मेशन है। प्राइस और डिमांड रिलेशन में है ना, कोई भी चीज़ की प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब वाइसी वर्सा, मतलब उसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ की प्राइस एक्सपेंड हो सकती है, राइज हो सकती है, अगर प्राइस बढ़ती हो तो डिमांड कम हो जाएगी। ये बात हम ये सेंटेंस में लिख कर बता सकते हैं या तो टेबल बनाकर भी बता सकते हैं। जैसे इस टेबल में बताया कि ग्राफ बना के बता सकते हैं, जैसे इस ग्राफ में ही प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ी तो प्राइस कम होगी, इस तरह से इकोनॉमी में बताया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है प्राइस ऑफ कमोडिटी तो 20 है, तो डिमांड ऑफ कमोडिटी 20 है, इक्वल भी हो सकती है, और जब प्राइस कम होती है 15 हुई तो उसकी डिमांड 40% हो गई, फिर उसकी प्राइस 10 हुई तो उसकी डिमांड 60% हो गई, उसकी प्राइस 5 हुई तो उसकी डिमांड 80% हो गई। उसी चीज़ को हम ग्राफ में भी बता सकते हैं, लाइक यहाँ बताया गया है कि 5 rupees है प्राइस तो उसकी डिमांड 80% है, 10 rupees है तो उसकी डिमांड 60% है, 15 rupees हुए तो उसकी डिमांड 40% है, और 20 rupees है तो उसकी डिमांड 20% ही है। इसी तरह से इकोनॉमिक में ये थ्री टाइप से एक्सप्लेन किया गया है। ये थ्री वे के इकोनॉमिक्स रूल्स है, राइट स्टूडेंट? थैंक यू।